बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आप साथ में आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर एक गुड न्यूज अच्छी खबर सामने आ रही है। आप भाई के साथ यहाँ पर मैं वो खबर भी शेयर कर देता हूँ। आप कुछ दिन से भाई सुन रहे हैं कि आपको भाई एस्ट्राजेनिका फाइजर वगैरह वैक्सीन लग रही है पाकिस्तान में, इंडिया में। आप पाकिस्तान में अभी जैसा कि तमामतर गैर मुल्कियों को एस्ट्राजेनिका पहले लगाने की इसलाह कर दी गई है, यानी कि पहले भाई तमामतर गैर मुल्कियों को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके मतलब मैंने अभी कुछ घंटे ही पहले आपके साथ एक न्यूज शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं भाई कि कैसे रश लगा हुआ है इन सेंटर्स के ऊपर तमामतर उन बंदों का जो सऊदी अरेबिया का सफर करना चाहते हैं। तो सऊदी अरब की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था आज से दो दिन पहले ही कि 16 जून से तमाम तर वो एयरलाइन जो किसी भी कंट्री से मुसाफर ला रही हैं सऊदी अरेबिया में या लाने वाली हैं तो उनके ऊपर ये लागू है कि उन तमाम तर मुसाफरों की भाई वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, उसमें किसी भी किसी किस्म का दो नंबरी का मामला नहीं होना चाहिए, वरना तो उस फ्लाइट को भी जुर्माना होगा। और जो बंदे भाई जिस बंदे ने भी वो दो नंबरी की होगी उसमें यानी कि नाम के लिहाज से या वो डाटा के लिहाज से तो उसको भी एक भारी जुर्माना और यहां सऊदी अरेबिया में जेल होगी। तो इसी चीज को देखते हुए अभी आपको जैसा कि 72 और 72 घंटे पहले आपने एक फॉर्म भी फिल करना था, आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको यह करना होगा, वो करना होगा अपनी रिपोर्ट को ऑनलाइन करवाने के लिए, तो इन सब हल का एक बिल्कुल आसान हल मुतारफ करवा दिया गया है सऊदी जवाबात की तरफ से। वो क्या है वो भाइयों को आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं। भाई आपको पहले मैं क्लियर कर दूं इसी न्यूज में कि सऊदी जवाबात की ये लिंक जो है ये आप ट्विटर पर जाकर इनका पेज बिल्कुल मैं आपको यहां पर वो चलाकर अभी दिखा भी रखा हूं, अल जवाजात अल सऊदीया ऊपर लिखा हुआ है, वहां पर जाकर पहली ट्वीट ही अभी भाई यही पड़ी हुई है। नीचे हमने लिखा हुआ जमी अल कादमीन अल मुमकत मन गैर अल मोजमीन, भाई ये ट्वीट पड़ी हुई है, पहली ही इनकी ट्वीट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे एक लिंक है जी, इस लिंक के ऊपर भाई आप क्लिक करके ये पिक्चर भी देख लें, आपको यहां पर मैं वो पिक्चर भी अभी बड़ी करके दिखा देता हूं कि भाई ये पिक्चर देख लें आप। इसके बाद आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से जाकर इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, यार किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पड़ा हुआ है या कहीं और पड़ा हुआ है, वहां से आप इसके ऊपर क्लिक करें। तो भाई इस चीज में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप यहां से जाकर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे देखें लिखा हुआ है तमामतर विजिटर अनप्रोटेक्टेड विजिटर, ये तमाम तर डिटेल आप हम सबसे पहले जो लिखा हुआ है जी इसके ऊपर भाई वो बंदे क्लिक करें जिनके भाई न्यू वीजे हैं, जो न्यू वीजा लगाकर सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, और दूसरे के ऊपर भाई वो बंदे क्लिक करें जो न्यू वीजा या विजिट वीजा वाले हैं, और तीसरे लिंक के ऊपर भाई यहां पर आप भाई आप अपनी मुकम्मल डाटा देंगे, तीसरे लिंक के ऊपर भाई वो बंदे क्लिक करेंगे जिनका इकामा होल्डर है, और चौथे लिंक के ऊपर भाई वो बंदे क्लिक करें जो छुट्टी वाले हजरात हैं या इकामा होल्डर हैं। आप इनके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर मैं कुछ के ऊपर क्लिक करके यानी कि नीचे लिखा हुआ चेक रजिस्ट्रेशन, आप यहां से भाई अपनी जो आपने डाटा वगैरह दिया होगा वो यहां से चेक भी कर सकते हैं। अच्छा एक लिंक के ऊपर यहां पर मैंने क्लिक भी किया, आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपने अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी है, आपसे इकामा नंबर पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, और वैक्सीन कौन सी लगवाई है ये पूछी जाएगी। आप यहां पर तमाम तर डिटेल लिख कर भाई ओके कर देंगे, आपका तमाम तर डाटा भाई यहां पर सेव हो जाएगा सऊदी जवाजात के पास। इससे होगा क्या, इससे भाई ये होगा कि आपका तमाम तर वैक्सीनेशन की जितनी भी रिपोर्ट होगी वो सऊदी जवाजात के पास महफूज हो जाएगी। जब आप सऊदी अरेबिया का सफर करेंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो भाई आपको कोई किसी किस्म की एयरपोर्ट के ऊपर परेशानी नहीं होगी, और ना ही आपको क्वारंटाइन वगैरह यहां पर करना होगा, और ना ही आपको अजाफी पैसे जमा करवाने होंगे। अगर आप कोई भी ऐसी रिपोर्ट फिल करते हैं या ऐसा फॉर्म फिल करते हैं जिसकी कदर ही नहीं होगी यहां सऊदी अरेबिया में, तो भाई आपसे फिर जायद पैसे लिए जाएंगे, यहां पर आपको 7 दिन का 14 दिन का ये टाइम बताएंगे, उस दिन का आपको क्वारंटाइन वगैरह भी यहां पर करना होगा, और उसके अलावा आपको $100, $200, $500, $700, $800 जितने ये डॉलर बोलेंगे उतने डॉलर भी आपको जमा करवाने होंगे। ये सऊदी जवाजात की तरफ से एक वेबसाइट मुतारफ करवा दी गई है, आप भाई इसके ऊपर क्लिक करें और अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने वैक्सीन के मुतल्लिक यानी कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, कौन सी लगवाई है, आप इकामा होल्डर हैं, न्यू वीजा होल्डर हैं, विजिट वीजा होल्डर हैं, जो भी डिटेल है भाई वो इसके ऊपर अपनी दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। आप अभी से दे सकते हैं अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, अगर आपने नहीं ली है अभी तक इस खुराक की डोज, तो भाई जब ले उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्यों भाई, जब आप सऊदी अरेबिया में आएंगे आपको क्वारंटाइन वगैरह से नहीं करना होगा, और अजाफी जो डॉलर होंगे वो आपको नहीं जमा करवाने होंगे, और आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। सऊदी अरेबिया के मतलब किसी भी और न्यूज के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अपनी जगह क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज।